आज हम धर्मशाला से हिमाचल प्रदेश से वैष्णो माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं विद फैमिली। तो आपको हर जगह से हम अपडेट कराते रहेंगे, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे आपको हम अपडेट कराते जाएंगे। चलो सारे जय माता दी बोलो। जय महामाई, जय माता रानी। गुगु बोलेगी जय माता दी। जय माता दी। आपको दर्शन कराएंगे हम माता वैष्णो देवी के। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी हम शाम के 6 बजे जो हैं हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से निकले हैं और अभी हम मुश्किल से 9 किलोमीटर जो गगल पड़ता है वहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेशन जो आएगा वो गगल एयरपोर्ट आएगा और उसके बाद फिर शाहपुर आएगा। तो देखिए आप रास्ता, अभी तो काफ़ी धूप हो रही है, थोड़ी देर बाद शाम को सूरज ढलेगा तो थोड़ा मौसम जो है वो ठंडा होगा। वैसे हमारा हिमाचल तो काफ़ी ठंडा ही रहता है गर्मियों में भी। नेक्स्ट सेशन जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कराऊंगी। ये आप हमने पठानकोट का रास्ता यहाँ से लिया है, ये सीधा पठानकोट को जाता है। तो गाइस वेलकम बैक टू तृप्ति मूड फैमिली चैनल। भाई तृप्ति तो कर चुकी है आप लोगों का सबका स्वागत, तो एक बार हम भी कर देते हैं आप सबका स्वागत। तो भाई चले थे 5:30 बजे धर्मशाला से बाय रोड अपने व्हीकल के अंदर माता के दरबार। जो व्लॉग है वो बड़ा मस्त होने वाला है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगी क्योंकि हम लोग करते हैं मोबाइल से शूट, तो रास्ता होने वाला है मज़ेदार और व्लॉग भी होने वाला है भाई मज़ेदार। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो व्लॉग को प्लीज़ लाइक भी कर लेना, शेयर भी कर लेना और चैनल को भाई प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखो हरी हरी मस्त वादियों से हिमाचल प्रदेश की भाई रास्ता अपना लंबा 200-250 किलोमीटर का रास्ता है, रात को पहुंचेंगे लेट नाइट। तो अभी तो जा रहे हैं लखनपुर की तरफ, तो व्लॉग में बने रहना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो आओ लेके चलते हैं बाय रोड धर्मशाला टू वैष्णो देवी, जय माता दी के नारों के साथ आप लोगों का सभी का स्वागत है। आओ लेके चलते हैं आपको हरी भरी पहाड़ियों के रास्ते से होते हुए माता के दरबार। पे पठानकोट जो है वो 60 किलोमीटर है, नूरपुर 37 किलोमीटर, और ये एक रास्ता जाता है यहाँ से ढलौजी, ये सामने देख रहे हैं आप, यहाँ से ढलौजी जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये यहाँ से आप शॉर्टकट से ढलौजी भी जा सकते हैं, यहाँ से पूरा जो है वो ढलौजी 100 किलोमीटर पड़ता है। गाइस यार जैसे कि आप जानते हो भाई हमें तो शौक है अपने परिवार के साथ जाने का, तो हम लोग सारा परिवार हमेशा एक साथ ट्रैवल करते हैं। तो शाम के बज गए हैं 6:30, निकल पड़े हैं माता के दरबार के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी काफ़ी तेज़ी धूप पड़ रही है हमारी आंखों पर, नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए ये बोर्ड जो है 60 किलोमीटर, जसूर 42, नूरपुर 37 और कोटला जो है वो 40 किलोमीटर्स पर है। ये देखिए अब यहाँ से जो है वो कोटला 6 किलोमीटर्स की दूरी पर है। सामने मैं आपको पहाड़ दिखाती हूँ। Thank you.
काफी तेज आंखों में पड़ रही है, उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा। ये त्रिलोकपुर है, यहाँ पर शिव जी की गुफा है, काफ़ी सुंदर मंदिर है ये पुराना। अंदर देखिए आप, ये देखिए, अभी पीछे थोड़ी गाड़ी हमें बैक करने पड़ेगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये काफ़ी सुंदर मंदिर है शिव जी का और इसकी काफ़ी मान्यता है, बहुत पुराना मंदिर है ये। ये त्रिलोकपुर में पड़ता है, कोटला से 4 किलोमीटर पीछे। ये देखिए, ये हमने कोटला एंटर किया है। ये छोटा सा एक गांव है पठानकोट से, 45। ये कोटला ब्रिज है। धूप काफी तेज है, ये कोटला बाजार, छोटा सा बाजार है यहाँ पे। अभी शाम के 7:15 हो रहे हैं, बट धूप अभी भी वैसी ही है, आंखों में चुभ रही है। अभी सूरज ढला नहीं है। देखिए मैं आपको सूरज दिखाती हूँ, ये देखिए अभी पेड़ों के पीछे हैं सूरज देव, ये बाहर निकल कर आएंगे। ये देखिए, ये है यहाँ का नागनी माता मंदिर, यहाँ पर नाग देवता की पूजा की जाती है। और ये नूरपुर से 10 किलोमीटर की पीछे की दूरी पर पड़ता है, नूरपुर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। ये नागनी माता मंदिर की एंट्री है, इससे काफ़ी नीचे जाके मंदिर है। ये नूरपुर है और यहाँ से एक रास्ता मैंने आपको पीछे से दिखाया था, शाहपुर से, जहाँ से चंबा 100 किलोमीटर की दूरी पर था। और अब ये यहाँ से भी चंबा का रास्ता निकलता है, एक रास्ता चंबा से ये यहाँ से जाता है और एक शाहपुर से जाता है। ये नूरपुर बाजार है, छोटा सा बाजार है। यहाँ पर नूरपुर में एक काफी पुराना किला भी है जिसे देखने लोग काफी दूर दूर से आते हैं, नूरपुर किला कहते हैं उसे। गाइस शाम के नज़ारे देखते ही बनते हैं भाई, सूर्य देव ढलने की तैयारी में हो रहे हैं और गाड़ी हमारी आगे बढ़ती जा रही है हिमाचल की वादियों से प्लेन्स की तरफ। तो बने रहना व्लॉग में और जय माता दी, जय माता दी के कमेंट्स देते रहना भाई। आ जाओ हमारे साथ, चले रहो आगे। पठानकोट यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर जो है वो नूरपुर की सीमा खत्म होती है।
ऊपर मैं रास्ता जो दिखा रही हूँ मैं आपको, ये नूरपुर की नदी हो जाता है। सूरज देव जी छिपने वाले हैं। ये नूरपुर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ सामने, ये चंबा के लिए जाता है। ये अब जसूर, जो आपको बताया था मैंने कि पठानकोट से पहले जसूर आएगा, ये जसूर है। देखिए ये जसूर, और अब जसूर के बाद जो है कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं आएगा जो मैं आपको दिखाऊं, अब इसके बाद सीधा पठानकोट ही आएगा। तो हम मिलते हैं पठानकोट में। ये अब हम पठानकोट में पहुंच गए हैं और यहां से अब हम जम्मू के लिए रास्ता लेंगे। जम्मू यहां से 114 किलोमीटर की दूरी पर है। काफी खराब है। ये पठानकोट है। पठानकोट में काफी बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ से आप दिल्ली, मुंबई, अंबाला जाने के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। तो गाइस यार, सामने वेदर करो चेक, सामने इतना प्यारा व्यू आ रहा है भाई। वेलकम टू पठानकोट, वेलकम टू पठानकोट। मौसम एक नंबर, हाईवे एक नंबर, मस्त वाला रोड भाई। पठानकोट तो जम्मू भाई मस्त वाला रोड बना हुआ है। ये देख रहे हो आप सामने के नज़ारे, शाम ढल चुकी है, सूरज देव जा चुके हैं और नज़ारे भाई एक नंबर बने हुए हैं। अपने व्हीकल में तभी हम ट्रैवल करना भाई फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं, पूरी फैमिली के साथ। तो रात हो जाएगी मेरे को लगता है पहुँचते पहुँचते, तो बने रहना व्लॉग के अंदर, सामने नज़ारे इंजॉय करते रहना भाई। व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, और जय माता दी लिख देना भाई कमेंट बॉक्स में। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। जाती है क्या बोलेगी गुगु? फ्राई करना, घंटी बजाना और क्या, हमारी और लाइक करना, लाइक करना और हमारे वीडियोस को लाइक करना। हाँ, अच्छी सी वीडियो करना अपनी बड़ी। ये अब हमने यहाँ से जम्मू की लिए राइट लिया है। यहाँ से जम्मू 154 किलोमीटर है। ये पुल के नीचे से आगे पुल आ रहा है। वहाँ से हम राइट लेंगे और जो सीधा जम्मू की ओर जाता है रास्ता, ये हमने राइट ले लिया और अब ये सीधा जो है वो जम्मू की ओर जाएगा रास्ता। और ये रास्ता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है।
हमें पीछे काफ़ी दिक्कत आई वन वे होने की वजह से, आप गाड़ी तो तेज चला ही नहीं सकते, लेकिन अब डबल रोड है, ये फ्लाईओवर है, देखिए काफ़ी अच्छा रोड है ये। उधमपुर यहाँ से 174 की दूरी पर है। पहुँचने वाले लखनपुर और हाईवे एक नंबर, तो बने रहना ब्लॉक के अंदर, आ जाओ मेरे साथ। अभी हम लखनपुर में एंटर किए हैं, ये जम्मू कश्मीर बॉर्डर है, यहीं से आगे जम्मू के लिए एंट्री की जाती है। अब देख चलो, नहीं गाड़ी रोकेंगे अभी तो पूछेंगे। देखते हैं, हमें तो शायद रोकेंगे, हमारी हिमाचल की गाड़ी है क्योंकि। माता के दरबार, लखनपुर बॉर्डर, देखिए यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी है। आधार कार्ड वगैरह दे देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जी लाइटें हैं, कहाँ पे जाना है मैंने, इधर कैसे जाऊँ मैं पीछे, इधर तो रोड पूरा रोड है, नहीं तो इधर से चला जाऊँ, इधर से भी अंदर फिर जाने के लिए रास्ता है। ठीक है जी, धन्यवाद, बड़ी बड़ी मेहरबानी। यहाँ पे कम से कम आधा घंटा हमें लगेगा।